स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द गिवन फंक्शन लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सबसे पहले जो न्यूमेरेटर में आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको ओपन कर दो। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास वन है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी, तो टू वन आर टू, टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर आ गया ये। और न्यूमिनेटर को हमने वैसे ही डिनोमिनेटर को हमने वैसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को वैसे ही लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको ये इसकी पावर नीचे वन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर वन है, तो ऊपर जाके माइनस वन के साथ हमने लिख दी। अब ये दो यहाँ पे देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ नीचे उतार लिया, ठीक है, और सेकंड का डेरिवेटिव हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर माइनस वन, फिर प्लस का साइन, फिर पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको वैसे ही लिख दो, और जिसको वैसे ही लिख दिया था उसका डेरिवेटिव ले लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये देखो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, वो मैंने आपको उसका एक हिंट बताया था, उसके ऑपोजिट यहाँ पे हिंट है कि प्रोडक्ट रूल में ये जो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज आ रही होती हैं ये दोनों सेम होती हैं, और दरमियान में जो दो वैल्यूज आ रही होती हैं ये दोनों सेम होती हैं। अच्छा, फिर आप डेरिवेटिव लेते हैं, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको वैसे नीचे उतार दिया, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। देखो कैसे लगेगा, माइनस वन इसकी पावर है ना, तो माइनस वन शुरू में, फिर एक माइनस वन में से एक और माइनस वन करेंगे, यानी कि पावर में से माइनस वन, तो ये माइनस वन फार्मूले वाला माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, वो नीचे जाके प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर टू नीचे जाके प्लस हो गया। उसके बाद विदाउट पावर डेरिवेटिव, विद इस माइनस वन को इग्नोर कर दो, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं ये दो, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से निकलेगा टू एक्स माइनस जीरो, तो ये बचेगा टू एक्स, तो इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, फिर ये प्लस, इस टर्म को वैसे नीचे उतार लिया, इसका सिंपल सा डेरिवेटिव आप लोगे सम रूल लगा के, ये आपने यहाँ पे रीजनिंग लिखनी है कि आपने कौन सा थ्योरम यूज़ किया। तो x4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, 1 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 4x आ जाएगा। अब इसको हमने रीअरेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस 2x को अंदर इस एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x जब x4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 2x की पावर 5, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2x, 2x जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4x क्यूब, और इस माइनस को हमने इधर साइड पे लिख लिया। ओके, फिर ये वाला प्लस इधर आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर जो माइनस 1 थी नीचे जाके प्लस 1 हमने कर दी, और 4x क्यूब प्लस 4x हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है एलसीएम लेने के लिए, तो टर्म्स नीचे डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं आपको पता है आसानी के लिए, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, 4x क्यूब प्लस 4x, इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे डिवाइड भी कर लिया। अब देखो ये नीचे दो, ये बेस सेम है तो इसकी पावर 1 प्लस 1 ये 2 हो गई, ठीक है, क्योंकि इसकी 2 थी ये ज़्यादा थी, तो हमने इसको भी इसके इक्वल करना था, तो ये दोनों सेम हो गई हैं। अब आप इनके न्यूमिरेटर्स को आसानी से ऐड कर सकते हो, तो इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। अच्छा, इसको ना पहले आप ऐसे कर लोगे, ये माइनस अंदर एडजस्ट कर लो, ये माइनस जब जाएगा अंदर तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x 5 माइनस 2x माइनस 4x क्यूब प्लस, इनको हमने वैसे ही नीचे लिख दिया इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x क्यूब, ये वैसे ही लिखा रहा प्लस, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4x क्यूब जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया 4x की पावर 5, फिर हमने 4x क्यूब को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया माइनस 4x क्यूब, सिमिलरली प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर ये आ गया 4x क्यूब,
फिर 4x इंटू माइनस वन माइनस 4x, सिंपल सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, डिफिकल्ट नहीं है। फिर इस स्टेप से हमें क्या पता चला, ये देखो 4x³ और -4x³ सेम टर्म्स हैं लेकिन ऑपोजिट साइंस हैं, तो इनको हमने आपस में कैंसिल कर दिया, तो जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल -2x⁵ +4x⁵, ये बन गया 2x⁵, ठीक है। उसके बाद ये -2x और ये -4x, ये हो गए -6x और -4x³ और ये -4x, आई एम सॉरी, ये -4x³ जो है ये अकेला बच गया, इसको हमने नीचे लिख दिया। फिर अब देखो इसमें से कॉमन निकलती हैं दो चीज़ें, एक 2 और एक x, तो इन सब टर्म्स में से हमने 2x को कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर चला गया, इधर बच गया x⁴ -2x² -3। अच्छा देखो डिनोमिनेटर वैसे ही चुपचाप जो है ना साथ चलता जा रहा है, इसको हम वैसे ही चलाते जा रहे हैं, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया। अब इस 2x को वैसे ही लिख दो, अंदर आप कर लो फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं इसको, तो ये बन जाएगा x⁴। इस देखो -2x² को हम लिख सकते हैं -3x² +x², ठीक है। तो यहाँ पहली दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x², पीछे बच जाएगा x² -3। फिर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो एटलीस्ट वन हमारे पास कॉमन निकलता है, तो +1 हमने लिख लिया x² -3। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स लाइक लाइक टर्म्स हैं, ये सेम हो चुकी हैं, ठीक है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो, x² -3 हमने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x² +1, तो यही हमारा आंसर है, dy/dx बराबर है 2x इंटू x² +1 इंटू x² -3 ओवर x² -1 होल स्क्वायर।